तो हर कोई हमसे कहता है कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया ना, तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स, जेई में आपका केमिस्ट्री का पोर्शन, नीट में आपकी पूरी बायोलॉजी का पोर्शन और ऐसे और भी एग्जाम्स। बट एनसीईआरटी को आखिर पढ़ना कैसे है यह हमें कोई भी नहीं बताता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है और एनसीईआरटी को आप किस प्रकार से लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। वो सभी पॉइंट्स, वो सभी बातें जो मैंने अपने टाइम में यूज की थी, वो सभी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, कि फर्क नहीं पड़ता आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेई या नीट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगले 10 से 15 मिनट एक कोने में बैठ जाओ और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो इस बात की गारंटी है कि आप ऑलरेडी टॉप के 1% स्टूडेंट में आ जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बट उससे पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल सिंह है। बच्चे मुझे प्यार से राहुल भैया बुलाते हैं। पिछले 2 सालों से हम लाखों बच्चों को गाइड कर चुके हैं, 9th और 10th के बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, अब 11th 12th में भी आ चुके हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जो आने वाली वीडियोज है वो आप तक पहुंच जाए। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ बट अगर आज बोल दिया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। ठीक है, देखो पहला पॉइंट कि वो है अंडरस्टैंडिंग। 99% बच्चे जो गलती करते हैं कि भाई एनसीईआरटी उठाई, ठीक है, 9th 10th 11th 12th किसी की भी एनसीईआरटी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, यह आपको नहीं करना है, यह आपको नहीं करना है। क्योंकि 99% बच्चे यही करते हैं कि भाई बुक खोली, चैप्टर खोला और सीधा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता, पहले आपको चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है। तो अगर आप सीधा पढ़ना शुरू करोगे, खुद से अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो वो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए पहले आपको चैप्टर की एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई उस चैप्टर में है क्या। जैसे आपकी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, उसके बाद फिर आप अपने जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो पहले आप अपने स्कूल से, अपनी कोचिंग से, अपने ट्यूशन से या फिर यूट्यूब से पहले उस चैप्टर की, उस टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। पहले आप लेक्चर से उसकी एक बार चैप्टर को समझ लो। जैसे आपने चैप्टर को समझ लिया ना, आपको उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या है, फिर आप अपने जो एनसीईआरटी है उसको रीडिंग करना शुरू कर सकते हो। डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ना शुरू मत करना, ठीक है। सेकेंड स्टेप कि भाई वो क्या है कि ओवरव्यू, कि जैसे आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग कर ली कि चैप्टर को यूट्यूब से, कोचिंग से, ट्यूशन से, स्कूल से, जैसे आपने एक बार उसको समझ लिया है, फिर आपको उसका एक ओवरव्यू करना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है, ठीक है, आपकी चाहे कोई भी क्लास हो, 10th 11th 12th हो, ठीक है, यहाँ बस मैंने एग्जाम्पल के लिए 11th की केमिस्ट्री उठा रखी है, बाकी आपकी कोई भी क्लास हो सब में ही वैलिड है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए उठा रखा है बस। जैसे 11th क्लास की केमिस्ट्री है, मैंने कोई भी चैप्टर खोला, जैसे मैंने आपको ये चैप्टर खोल लिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर में क्या करना है कि हमें पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू करना है कि इस चैप्टर में है क्या। आपको सीधा पढ़ना शुरू नहीं करना है, वो सीधा पढ़ना जो शुरू आपका थर्ड स्टेप में आएगा। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू करना है कि इस चैप्टर में है क्या, पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपको चैप्टर खोलना है, आपको चैप्टर से ऊपर ऊपर से आपको एक ओवरव्यू करना है, आपको ऊपर ऊपर से निगाह फेरनी है, ठीक है, जैसे आप उसको निगाह फेरते हो ना, ठीक है, वापस आते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ऊपर से निगाह फेरनी है कि भाई चैप्टर में है क्या, जैसे कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट, ये आपका पहला टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है एटॉमिक नंबर के बारे में, ओके, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है मेंडेलीव की टेबल कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एटॉमिक टेबल दे रखी है, पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के डायग्राम, एलिमेंट्स के सिंबल दे रखे हैं, उनके आईपीएसी नेम दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रखा है। तो ऐसे आपको चैप्टर का ओवरव्यू करना है। भैया इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको चैप्टर का एक फ्लो पता चल जाएगा कि यार पहले ये टॉपिक आएगा, फिर ये टॉपिक आएगा, फिर ये टॉपिक आएगा। तो जब आप रियल में अपनी रीडिंग शुरू करोगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। बिलीव भी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बात करी कि भाई चैप्टर का आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करना है अपने कोचिंग से, यूट्यूब से, ट्यूशन से या फिर स्कूल से, ठीक है। फिर आपको चैप्टर का ओवरव्यू करना है कि भाई चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से है, आपको निहारना है ऊपर से, फिर अब आपकी जो रियल रीडिंग है, जो फर्स्ट रीडिंग है, वो आपकी शुरू हो जाती है। बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। हम सभी को पता है कि एनसीईआरटी में जो थ्योरी है वो तो सफिशिएंट दे रखी है, बट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड दे रखे हैं। तो ऐसे में अगर आपको 10वीं की और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में या फिर 11वीं के स्कूल एग्जाम्स में भी अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ आपके पास एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी तो दे रखी है बट थ्योरी के अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आप सभी के साथ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को एडोक्वाड क्वेश्चन बैंक के बारे में, ठीक है। तो एडोक्वाड का जो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास अभी फिलहाल 11वीं का जो फिजिक्स है उसका क्वेश्चन बैंक है, सेम क्वेश्चन बैंक आपका 10वीं का भी आता है, सेम क्वेश्चन बैंक आपका 12वीं का भी आता है, मेरे पास अभी 11वीं का क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स का, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत यह है कि यार पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो चैप्टर वाइज फॉर्म में इस क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं।
इसके अलावा आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपके अजर्शन रीजन, आपके केस बेस, आपके पिक्चर बेस क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी इस सिंगल क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके दे रखे हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 10वीं में हो, अगर आप 11वीं में हो या फिर अगर आप 12वीं में हो, तो एनसीईआरटी के साथ ये क्वेश्चन बैंक आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को रिकमेंड किया था तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से उठ के आपके एग्जाम में भी आ गए थे। ठीक है, तो अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं की हो और अगर आपका क्वेश्चन बैंक लेना है तो इनके लिंक्स वगैरह मैं नीचे ऐड कर दूंगा वीडियो में, वहाँ से आप इनको आराम से ले सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उनको शुरू कर सकते हो। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि भाई अंडरस्टैंडिंग करना है, ओवरव्यू करना है, अब हमारा जो रियल रीडिंग है वो शुरू हो जाती है। तो अभी जो थर्ड पॉइंट है वो है कि फर्स्ट रीडिंग आपको कैसे करनी है, तो ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट स्किप मत करना वीडियो को। देखो, पहले बात कि जैसे आपको बुक रीडिंग करना शुरू करोगे ना, तो आपके हाथ में एक पेंसिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके हाथ में एक पेंसिल होना बहुत जरूरी है, ये तो इसका पहले वैसा है। ठीक है, आपके हाथ में पेंसिल बहुत जरूरी है। फायदा क्या है इसका कि पेंसिल के साथ आपकी जो फोकस लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि हम बुक खोलते हैं, ठीक है, और बुक खोलते ही हमें क्या होता है, हमें नींद आने लगती है कि भाई बुक खोल रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम सोने जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस हट जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमें आपको अगर आपके हाथ में एक पेंसिल होगी ना, तो आपका जो फोकस लेवल बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ आप मार्क करते रहोगे। ठीक है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आप उसको आराम से मार्क करते रहोगे। ये क्या हो गया, खराब हो गए थे बीच में, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आप उसको आराम से मार्क करते रहोगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको लग रहा है कि भाई ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो इसलिए ट्राई करना कि जब भी आप रीडिंग करो ना अपने एनसीईआरटी को, तो आपके हाथ में एक पेंसिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब रीडिंग करने कैसे है, देखो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, साइंस है, एसएसटी है, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दे रखा है, तो आपको पहले लाइन से लेकर आपको लास्ट तक आपको आराम से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट रीडिंग होगी ना, वो आपको लाइन बाय लाइन करनी है और आराम आराम से करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक घंटा लग जाए, दो घंटा लग जाए, आपके डेढ़ घंटा लग जाए, डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना लंबा कितना छोटा है। प्रॉपर आपको टाइम देके रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको कोई भी काम चोरी नहीं करनी है। ठीक है, आपकी जो पहली रीडिंग होगी, तो आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी ना, वो आपको ध्यान से करनी है, लाइन बाय लाइन समझ समझ के करना है। कहीं भी डाउट आए, कहीं भी आपको कुछ भी पॉइंट समझना है, तो फटाफट गूगल करो, अपने टीचर से पूछो, अपने कोचिंग से पूछो, कोई आपके आसपास कोई बड़ा भाई बहन है उससे पूछ लो। कोई भी आपका डाउट आपको छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आपको ध्यान से करनी है, लाइन बाय लाइन, आपको लाइन बाय लाइन आपको करनी है फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या आपने पहले लाइन से पढ़ना शुरू किया, दैट वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन न्यूज पेपर। ठीक है, एंड वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन ग्लोबल समिट। आपको लाइन बाय लाइन समझ के करना है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, चैप्टर के एंड तक आपको आराम से पढ़ना है। एक पेंसिल लेके जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करते रहो। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है भाई डेफिनेशन हो सकती है कि यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कोई कीवर्ड लग रहा है कि कीवर्ड इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर लो। ऐसे लग रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल है, इसको अंडरलाइन कर लो। समझ रहे हो, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एग्जाम में आ सकता है, उसको मार्क कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी जो फर्स्ट रीडिंग है वो आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सेकंड रीडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड रीडिंग से पहले और सेकंड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग के बीच में एक गैप होता है। थोड़ा कि भाई आज ही फर्स्ट रीडिंग करिए फिर दोबारा सेकंड रीडिंग करने लगे, ऐसे नहीं होता है। फर्स्ट रीडिंग अगर आप करिए तो उसके 3 से 4 दिन बाद आप अपनी जो सेकंड रीडिंग वो कर रहे होंगे। ठीक है, बट फर्स्ट रीडिंग के बाद आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करोगे उसके बाद आपको जो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके पीछे क्वेश्चंस होते हैं, बैक जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। कब करने हैं? फर्स्ट रीडिंग के बाद करने हैं। ठीक है, जैसे आपको ये सब हो जाता है ना, तो आपको आराम से 4-5 दिन का गैप देना है और उसके बाद फिर आपकी जो सेकंड रीडिंग है वो आपकी शुरू होती है। ठीक है, अब सेकंड रीडिंग में आपको आराम फटाफट करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, नहीं, सेकंड रीडिंग आपकी जो होगी, सेकंड रीडिंग आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। सेकंड रीडिंग आपकी क्या होगी, आपकी फास्ट रीडिंग होगी, ये आपको फटाफट करना है। ठीक है, एक तरह से आपका अगेन एक तरह से आपका एक ओवरव्यू हो रहा होगा कि भाई फटाफट पढ़ लिया, फटाफट चैप्टर का टॉपिक पढ़ लिया, फटाफट लाइन पढ़ ली, तो सेकंड रीडिंग होगी आपको फास्ट रीडिंग होगी। अब यहाँ फायदा क्या है, सेकंड रीडिंग के बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो। अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी को आपको लंबे टाइम तक याद रखना है, उन पॉइंट्स को, उन कीवर्ड्स को, उन डेफिनेशन को, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हर एक टॉपर बनाता है, चाहे वो नीट के टॉपर हो, जेई के टॉपर हो, आपके यूपीसी के टॉपर, तो ये डेफिनेटली बनाते हैं। ठीक है, जितने भी टॉपर्स आप पूछोगे तो वो शॉर्ट नोट्स अपने डेफिनेटली बनाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को रिवाइज करना बहुत मुश्किल टास्क है। और एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरी पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरी पूरी एनसीईआरटी लेके बैठ गए और आप पूरा पढ़ना शुरू कर दो, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो एग्जाम से पहले वाली रात आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप फटाफट अगले 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में फटाफट रिवाइज कर लो। तो ऐसे में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने खुद के, और आप खुद को बनाने, किसी के दूसरे के फॉलो मत करो, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने। ठीक है, कैसे बनाने, जब भी आपके सेकंड रीडिंग हो जाए ना, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। अच्छा भैया, आपने सेकंड रीडिंग के बाद ही क्यों बोला, हम यहाँ भी तो बना सकते हैं। नहीं, फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं पता होता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आ सकता है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट रीडिंग में कभी भी पता नहीं होता है।
तो इसलिए कभी भी शॉर्ट नोट्स आपको फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स हमेशा आपको सेकंड थर्ड रीडिंग में ही बनाने हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई चैप्टर को पहले अंडरस्टैंडिंग करो, फिर ओवरव्यू करो, फिर फर्स्ट रीडिंग आराम से करो, और फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। जब आप इतना कर लोगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, फिर आप अपने जो शॉर्ट नोट्स से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने टाइम में जब मैं ग्यारहवीं जब मैं 11th 12th में था, तो मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ठीक है, आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मानो कि मैंने एक बीच वाला पन्ना लिया, जो पिन पेज होता है, पिन पेज, उन पिन पेज को निकाल के मैंने पूरे चैप्टर को मैंने इन चार पेज में समराइज कर लिया था। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि भाई 15 पेज 20 पेज के आप शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स नहीं, वो लॉन्ग नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके 4-5 या मैक्स आपके 6 पेज में कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि भाई ये डेरिवेशन तो बार बार एग्जाम में आ रही है 4-5 सालों में, तो डेरिवेशन को आप उठा सकते हो। जैसे अभी मैंने एक छोटी सी डेरिवेशन उठा दी थी। ठीक है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि भाई ये न्यूमेरिकल तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपके 4-5 सालों में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो उस न्यूमेरिकल को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में उतार सकते हो। और जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये पता कब काम आएंगे, जब आपका एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम से पहले वाली रात आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। एग्जाम से पहले वाली रात आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इन शॉर्ट नोट्स को जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए ना ऐसे, आप इन शॉर्ट नोट्स को जो आपने खुद से बनाओगे, आप भी इन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ लोगे, तो आपका पूरा जो बुक है, पूरा जो सिलेबस है, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको एक अलग से भी वीडियो चाहिए कि भैया एक अलग से वीडियो बना दो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नीचे कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो फिर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और इनकी पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको उसमें दे दूंगा। नीचे कमेंट कर देना अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बात होगी आपके एनसीईआरटी को रीडिंग के बारे में, कैसे आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, बट इसके अलावा एक गोल्डन रूल भी है। ठीक है, इसके अलावा एक गोल्डन रूल है जो कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा द गोल्डन रूल, और ये रूल है यार, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। आप साइंस पढ़ रहे हो, एसएससी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हो ना, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ये जो लॉ है, ये जो रूल है, ये वैलिड है। ठीक है, और जो रूल है यार, मैंने खुद ही डिस्कवर किया था जब मैं 11th 12th में था, अपने जब मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा था अपने एग्जाम की, तो मैंने खुद इसको फाइंड आउट किया था, और यूट्यूब पर भी सबसे पहले हमने इसके बारे में बताया था पूरी यूट्यूब पर। ठीक है, इसको ठीक है, खैर छोड़ो, गोल्डन रूल है क्या? तो गोल्डन रूल ये है कि आपका WHW, अब ये WHW क्या है, ये क्या है, को समझ नहीं आ रहा, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो WHW मतलब यही, देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट, ठीक है, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, अब ये है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। जो एक गोल्डन रूल है, बहुत ही प्यारा रूल है। ठीक है, और इसको मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो जितने लोग भी आपसे कहते हैं ना कि भाई आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आप चीज़ों को रटो मत, आप चीज़ों को याद मत करो, उसके जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझो, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि भाई कोई भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, तो अपने आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इन तीनों का जवाब अगर आपको आता है, इसका मतलब कि वो टॉपिक आपको क्लियर है, वो टॉपिक में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो टॉपिक आपका क्लियर है, सब आपको आता है। बट इन तीनों में से अगर एक का भी जवाब आपको नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो गए हो, तो मतलब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे आप खुद को चेक कर सकते हो कि टॉपिक मेरे को आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे करना है। मान लो, ठीक है, मान लो कि पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक दे रखा है इकोसिस्टम। ठीक है, तो पहले इसकी रीडिंग करो प्रॉपर, कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग कैसे करनी है, पहले आराम से रीडिंग करो। उसके बाद रीडिंग करने के बाद अपने आपसे 3 सवाल पूछो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, व्हाई इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जरूरी क्यों है, एंड हाउ इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बना कैसे। ठीक है, इन तीनों के जवाब अगर आपको आते हैं, इसका मतलब कि आपने अच्छे से पढ़ा था, आपको समझ आ गया, और इस टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है कि भाई जो भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स और जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक साथ रहते हैं, वो होता है आपका इकोसिस्टम होता है ना, आपका टेम्परेचर, विंड, ह्यूमन, सब जो अगर एक साथ रहते हैं उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, हाउ इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैसे कैसे हो सकता है, जैसे आपका गार्डन है वो भी इकोसिस्टम है, आपका क्रॉप फील्ड है वो भी इकोसिस्टम है, आपका फॉरेस्ट है वो भी इकोसिस्टम है, आपका पॉन्ड्स, लेक, ये भी आपके क्या है, ये सब आपका इकोसिस्टम है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, वाई, कि वाई इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की जरूरत क्यों है। तो भाई हम सभी को पता है कि जो इकोसिस्टम अगर नहीं देगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो टेम्परेचर है, विंड है, आपकी जो हवा है, ट्रीज है, हम उन पे डिपेंड है, वो हम पे डिपेंड है। ठीक है, तो अगर इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इकोसिस्टम जरूरी है। तो कहने का मतलब ये तो बस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कहने का मतलब ये कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिलीव मी, अगर इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं ना, वो टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो चुका है, वो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है। तो इसलिए कभी भी अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अपने आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इस तीनों के आंसर अगर आपको आते हैं, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट आपका, वो टॉपिक, वो चैप्टर आपका क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर एक रियल, एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, इसे मैं बोलता हूँ द गोल्डन रूल।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो कि भैया ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, भैया वी वांट वीडियो ऑन शॉर्ट नोट्स, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक वगैरह कर देना, चैनल पर पहले बार आया हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ताकि आपको आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आपको किस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आगे कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर आपको अगली वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।